शिवपुरी जिले के झांसी फोरलेन हाईवे के बीच अज्ञात वाहन की टक्कर से एक भालू की मौत हो गई। सुबह राहगीरों ने सड़क किनारे भालू को देखा तो दंग रह गए। राहगीरों ने जब उसे दूर से शोर मचाकर भागना चाहा तो वहीं नहीं भागा, जिसके बाद भालू को सड़क किनारे पड़े होने की सूचना नेशनल पार्क की टीम को दी। मौके पर पहुंचे नेशनल पार्क के कर्मचारियों ने जांच कर बताया कि भालू की मौत हो चुकी है। इसके बाद नेशनल पार्क की टीम मृत भालू को अपने रास्ते ले गई। जानकारी के अनुसार शिवपुरी झांसी फोरलेन हाईवे पर सुरयावा थाना क्षेत्र के मिथलोनी गांव के पास बीती रात किसी अज्ञात वाहन ने भालू को टक्कर मार दी, जिससे मौके पर ही भालू की मौत हो गई। वहीं सूचना मिलने पर माधव नेशनल पार्क के कर्मचारी मौके पर पहुंचे और भालू के शव को पोस्टमार्टम के लिए भिजवाया गया। वन विभाग की टीम ने मामला संज्ञान में लेकर वाहन की तलाश शुरू कर दी। बताया जा रहा है कि शिवपुरी झांसी फोरलेन के किनारे माधव नेशनल पार्क की बाउंड्री है और संभावना जताई जा रही है कि भालू माधव नेशनल पार्क की बाउंड्री से निकलकर सड़क क्रॉस कर रहा था, तभी अज्ञात वाहन की चपेट में आ गया। बताना होगा कि शिवपुरी झांसी फोरलेन पर पूर्व में भी जंगली जानवरों के साथ हादसे हो चुके हैं। ये भालू की जो डेड बॉडी मिली है, ये नेशनल हाईवे 27 पे जो एक्सीडेंट के कारण उसकी डेथ हुई है। तो इसमें जो है आगे की कार्रवाई हम कर रहे हैं, कौन से वाहन से ये टकराया है, वो वाहन किस तरफ गया है, कितने बजे टकराया है, इसकी सारी जांच की जा रही है। सर, इसमें कोई कॉरिडोर बना हुआ है वहाँ से जंगल में सड़क से पार्क? एक्चुअली क्या है कि पार्क की सीमा के बाद टेरिटोरियल का एरिया लगता है, तो जानवरों के लिए कोई बाध्यता नहीं है जी, वो इधर उधर जाते हैं। जी सर, उसमें जो पुल वगैरह बने हुए हैं उनके नीचे से निकल जाते हैं पार्क, लेकिन अभी क्या है कि बारिश से पानी भरा हुआ है पुलों में। ये भी एक कारण है। अंदर पास है लेकिन पानी भरा हुआ, बारिश के कारण हो सकता है, ये भी एक वजह है जो ऊपर से जानवर जा रहा है। सर, लगातार कई घटनाएं ऐसी हुई है, कई तेंदुओं की भी मौत हुई रोड सड़क एक्सीडेंट में, सर अब तक क्या प्रयास किए गए? नहीं, हमारा काफ़ी प्रयास है उसमें, हमारी कोशिश रहती है कि जानवर ऊपर से नहीं जाए, वो नाला वगैरह साफ रहे, वो जो अंडर पास है उसके नीचे से ही निकले, और वहाँ पर हम आगे नेशनल हाईवे अथॉरिटी को भी हम लेख किया है हमने, और अभी फिर पुनः कर रहे हैं कि वहाँ कोई स्पीड ब्रेकर या अन्य प्रकार का कोई धीमी गति हो जाए ऑटोमेटिक व्हीकल का, वो कार्रवाई कर रहे हैं। अमूमन देखा आया है सर, जानकारी मिली है कि कौन किसने एक्सीडेंट किया है, कौन सी गाड़ी क्या है? नहीं, उसमें अभी जानकारी नहीं मिली, उसकी जांच की जा रही है। ठीक।